हेलो गाइस, वेलकम बैक कैलचल। आई होप अच्छे होंगे। तो भाई सुबह वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था हमारा सीआईडी वाला पार्ट, जिसमें हमारा प्यारा मैक्स एजेंट था और उसके ही भाई ने भाई उसको मारने की कोशिश करी। ये मेरे को बड़ा दुख हुआ पता करके। अरे मेरे भाई, और भाई उल्टा ही हुआ। देखो तो सही, मैक्स अपने छोटे भाई को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसने मेरे को बोला कि ट्रेवर भाई, मेरे छोटे भाई को भी क्या पता कोई मार दे, इसलिए आप उनकी सिक्योरिटी करो। मैं उसके पास जा रहा था, मेरे को क्या पता वही बंदा भाई मेन विलन निकलने वाला है। कमाल का बंदा, अगर मेरे ऊपर वो अटैक नहीं करवाता तो वो कभी नहीं पकड़ा जाता। फिर तो मैं सोचता कि टाइलर ने सारा काम करा है और टाइलर को मार देता। से टाइलर बोलता भी कि मैंने नहीं मारा, मैं सोचता कि टाइलर झूठ ही बोल रहा है। बट भाई उसने ये बोला कि मैंने अटैक नहीं करवाया तुम्हारे ऊपर, तो फिर मेरे को इस बंदे पे शक हुआ कि भाई ये अपनी फेक बॉडी भी तो बनवा सकता है, फेक डेथ भी तो करवा सकता है। और शक भाई मेरा तब यकीन में बदल गया जब मैंने अपने प्यारे निक की मॉम को देखा अपने प्यारे इंश्योरेंस कंपनी में। वहां पे वो आई थी भाई साइन करने के लिए विल पे, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी $2,000 मिलियन बाद में उनके नाम पे हो जाएगी। इसलिए सारा का सारा प्लान भाई निक ने करा। अभी तो पता नहीं निक के साथ क्या होगा, वो हमारा भाई काम नहीं है। हमने केस को सोल्व करना था, वो हमारा काम हो चुका है। अभी भाई मैं फोन करता हूँ अपना मेन काम अपने, तो भाई ऑफिसर भाई के चक्कर में मैंने पूरा का पूरा टाइम उनको दिया है। बस अभी मेन काम हमारा ये है कि हमें पता करना है कि भाई उस बॉक्स के पेपर में क्या लिखा हुआ है। तो मैं फोन लगा दूं अपने प्यारे प्यारे प्रोफेसर को, जॉन को, आपको याद ही है भाई जॉन, वो भी बहुत ही समझदार बंदा है। उसको भी कुछ ना कुछ क्या पता हो इस लैंग्वेज के बारे में। तो फटाफट से फोन करके उससे पूछ लेता हूं। उसको मैं फोटो सेंड कर देता हूं छोटा सा कि भाई जल्दी से इनको पढ़ो, क्या आप इसको पढ़ सकते हो या फिर आप किसी बंदे को जानते हो कि भाई कोई इन पेपर्स को पढ़ के हमें कुछ बता सकता है। भाई मैंने प्रोफेसर जॉन से बात कर लिया है, मेरे को बोल रहे हैं कि ट्रेवर मैं एक बंदे को जानता हूं जो आपकी इस बारे में हेल्प कर सकता है, शायद सिर्फ वो इस लैंग्वेज को जानता है, तो आप जल्दी से उसके पास चले जाइए। भाई उन्होंने मेरे को घर का एड्रेस दे दिया है, पहुंचता हूं बंदे से बातें करने के लिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो भाई अगर आप चैनल पे नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को सब्सक्राइब उस कॉल पे सेट कर दो। मैं अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करो जल्दी से अगर वीडियो को लाइक कर लो। इस वीडियो का लाइक्स का एम है 15,000, जल्दी से उसको पूरा करा दो। अगर तक आपने यार मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया बाद में जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जीटी की वीडियो डालता हूं इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 11 बजे उसी पर आने वाले। तो भाई जल्दी से बंदे के पास पहुंचता हूं और उसको फोटो दिखाता हूं जाकर के। भाई मैं घर पर पहुंच चुका हूं यार, ये किस बंदे का घर पे मेरे को भेज दिया मेरे प्रोफेसर जॉन ने। उसने मेरे को बोला था कि ये भी प्रोफेसर है। तो भाई प्रोफेसर के पास इतना खतरनाक घर, ये प्रोफेसर तो मेरे को कुछ अलग ही लेवल का बंदा लग रहा है। मैं पेट होगी तो गाड़ी मेरा, मैं जरा 2 मिनट में आया प्रोफेसर से मिलके। ये तो कुछ अलग ही बंदा भाई, देखो कितना बढ़िया इसने बंदे ने घर बना के रखा हुआ है। क्या बिजनेस करता है बंदा, प्रोफेसर भी है, इसका मतलब इसके पास पैसे बहुत ही ज्यादा है। चलो ठीक है भाई, पैसे अच्छी बात है, बंदा इसका मतलब काम कुछ अच्छा ही करता होगा। कभी भाई गोल्ड या उल्टा सीधा काम तो नहीं करता है ड्रग्स वगैरह का, ऐसा भी हो सकता है। बंदा उल्टे सीधे काम बहुत करते हैं हमारे शहर में, तभी इतने सारे पैसे आते हैं उनके पास। देखो यार बंदे का बेडरूम क्या मस्त है, और ये पेंटिंग तो भाई मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ भाई इस पेंटिंग को देख देख के। सच में हमारा प्रोफेसर भी इसका मतलब सेम ही साबुन को यूज करता है, ये भी साबुन के साथ पेंटिंग फ्री लेकर के आया, कमाल के बंदे। तो ये हमारे प्यारे प्यारे प्रोफेसर की भाई किचन हो गई, सामने कुछ बंदे बैठे हुए शायद से जानने वाले बंदे होंगे, अभी पता करता हूँ। अरे मेरे प्यारे चाचा क्या हाल चाल है। भाई बंदे मेरे को बोल रहे कि ट्रेवर भाई हमारा प्रोफेसर फिलहाल यहाँ पे नहीं है, वो पता नहीं कहीं पे गए हैं, हम उनके यहाँ पे काम करने वाले बंदे थे, वो कितने चौलाक है, और शायद से ये आंटी भाई खाना बनाने वाले होगी। मतलब कि जितने भी सौरे के सारे बंदे काम करने वाले हैं ना प्रोफेसर के पीछे मजे ले रहे हैं, देखो कुछ काम ही नहीं कर रहे, आराम से बैठ गए सोफे में मजे कर रहे हैं। सही है भाई, काम चोरी करो, अभी बताता हूँ तुम्हारे मालिक को आने दो। तो ये हमारे प्यारे भाई का गैरेज है, बट यार फिलहाल यहाँ पे एक भी सिंगल कार नहीं खड़ी हुई है। कोई बात नहीं, हमारे प्यारे प्रोफेसर गाड़ी लेकर गए होंगे, इसका मतलब उनके पास सिर्फ एक ही कार है और यहाँ पे बड़ा सा उन्होंने पूल बना के रखा है। तो भाई घर तो बहुत ही एक नंबर मेरे को लगा, बट फिलहाल ना यहाँ पे बंदा ही नहीं मेरे को मिला। देखो यहाँ पे एक लैपटॉप भी होने, बट फिलहाल इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोल रहे बंदा बाहर गया। तो मैं भाई अभी उसका नंबर पूछता हूँ क्या है, क्योंकि प्रोफेसर जॉन ने मेरे को उस प्रोफेसर का नंबर ही नहीं दिया। अगर वो नंबर देता तो मैं उससे करंट लोकेशन ट्रेस करवा लेता। फिर भी एक बार उसको बोलता हूँ कि भाई मैं घर पे आ गया, मेरे को यहाँ पे मिला ही नहीं, कहाँ पे मिल सकता है दोबारा बोल। भाई मैंने अपने प्रोफेसर जॉन से बात कर लिया, वो मेरे को बोल रहा है कि जो आपको प्रोफेसर अगर घर पे नहीं मिला तो फिर आपको मिलेगा ग्रीन गैंग वालों के पास, क्योंकि ग्रीन गैंग वालों के एरिया पे ना उनका एक घर था, पुराने वाला घर, वो उनकी मोम डैड का घर था, इसलिए वहां पर प्रोफेसर अक्सर जाया करते हैं जब भी उनका मन करता है जाने का। तो शायद से वो अपने पुराने घर पे गए होंगे, अपने मोम डैड वाले घर पे, आप वहीं पे जाइए। वो पहले ग्रीन गैंग वालों के मोहल्ले में रहा करते थे। वाह भाई वाह, तो ये बंदा ग्रीन गैंग वालों के मोहल्ले में रहता था और अब तो भाई ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया में रहता है, यहाँ का प्रॉपर्टी का रेट बहुत ही ज्यादा है। अब लगता है इसके भाई कहीं से ना कुछ इसका तुक्का लग गया, पता नहीं तेरे सारे पैसे इसके पास कहाँ से आ गए। सही है भाई, अरे मेरा चिराग तेरे पास तो नहीं आ गया, कमाल के पैसे है बंदे के पास। तो भाई जगह पे बोलता हूँ फटाफट से और देखता हूँ ग्रीन गैंग वालों के पास मेरे को भाई प्रोफेसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई मैं ग्रीन गैंग वालों के मोहल्ले में आ चुका हूँ और भाई मैं अभी फिलहाल लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए मैं प्यार से इनसे बातें करूंगा। अगर प्यार से बता दिया तो बहुत अच्छा है, डोगी गाड़ी में आराम से बैठ, हिलना मत, ये बंदे बहुत बदतमीज है, इनसे पंगा हम ही ले लेंगे, तुम पंगा मत ले क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे तेरे को बहुत पीटेंगे। भाई एक तो ग्रीन गैंग वाले बंदे ना यार सच में देखो तो सही एक नंबर के नशे वाले बंदे हैं। देखो मतलब फ्री में भी खड़े खड़े होके
वीड लगाने में लग रहे हैं। अबे भाई सुधर जा यार, क्यों पिटने काम कर रहा है। चलो फिलहाल पीटने के लिए नया डंडा निकाल लेता हूं ताकि थोड़ा प्रेशर बने। तो हाथ में देख ले डंडा चाचा, इतना बुरा मारूंगा अगर सच नहीं बोला। प्रोफेसर कहां पर है, क्योंकि यही जो घर है भाई सामने वाला उन्नी का घर है। तो भाई मुझसे बंदा बोल रहा है कि ट्रेनर भाई डंडा निकालने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बताता हूं पीछे जाकर के चेक करो वहीं पे होगा। भाई मैं पीछे की तरफ आ चुका हूं, यहां पे एक बंदा गार्डनिंग करने में लगा हुआ है। मेरे को लगता है भाई ये शायद से वही बंदा है जिसके बारे में मेरे को बंदों ने बताया था ग्रीन गैंग वालों ने, कि पीछे जाओ वहां पे वो आपको मिली जाएगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे प्रोफेसर, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। भाई प्रोफेसर मेरे को बोलता है कि इतना मेरे पे टाइम नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकलो, अभी मैं मूड पे नहीं हूँ किसी से बात करने के लिए। वाह भाई वाह, देखो तो सही बंदा मूड पे नहीं है मतलब हमसे बात करने के लिए। चाचा चुपचाप खड़े हो जाओ नहीं तो बहुत ज्यादा गोली पड़ने वाली है, एक मिनट में सीधा कर दूंगा आपको, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। भाई बंदा देखो कितना अजीब है, तो पागल मेरे को लगता है बोलता है, तो मार रहा फिर मार क्यों नहीं रहा, मार गोली जल्दी से, मैं गोली खाने के लिए तो यहाँ पे बैठा हूँ, आज मैं भी देखता हूँ तेरे में कितना दम है, मार मेरे को गोली। अरे भाई ये तो ग्रीन गैंग वालों के बीच में रह रहे के पागल हो गया बंदा, बोल रहा है मेरे को गोली मार। अरे चाचा जी मैं तो मजाक कर रहा था। अरे सुनो तो सही, बहुत जरूरी बात है, प्लीज एक बार सुनो। अच्छा सुनो, अगर आपको बात मेरी ठीक नहीं लगी तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सुन लो एक बार मेरी बात। भाई चाचा जी खड़े हो चुके, दिखने में तो मेरे को लॉस्ट वाला बंदा लग रहा है, ये प्रोफेसर कहाँ से लग रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे लग रहा है जैसे लॉस्ट का बंदा हो। चलो भाई प्रोफेसर जॉन ने बोला है तो भाई प्रोफेसर ही होगा ये भी। मेरे प्यारे भाई प्लीज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानना, जो मैंने गन निकाली है आप प्लीज इसको देखो। भाई मैं चाचा का फोटो ही दिखाने वाला था, मेरे को बोलते पहले बीड़ी दे ला, पहले बीड़ी पीऊंगा उसके बाद तेरा काम करूंगा और देखूंगा बाद में जो करना है, ला बीड़ी निकाल। भाई हद है, मतलब ड्राइवर का स्टैंडर्ड देख रहे हो आप, बीड़ी पीता है ड्राइवर। अरे सिगरेट मांग लेते, सिगरेट है चाहिए तो बोलो, सिगरेट दे सकता हूँ मैं, बीड़ी बीड़ी नहीं है मेरे पास। भाई मैंने बंदे को सारे फोटोज दिखा दिए और सिगरेट भी दे दिए, अभी अपना काम करने लग गया। और मेरे को बोलता है कि ड्राइवर ठीक है मेरे को सारे के सारे फोटोज सेंड कर दो और मेरे लिए एक गाड़ी फरारी लेकर आओ, मैं जब तक ये सारे के सारे पेपर्स ट्रांसलेट करता हूँ तुम मेरे लिए वो कार लेकर आओगे। भाई फरारी कार मांग रहा है, वो भी एक बेस पे खड़ी है किसी बंदों के, मतलब के बंदों को मारना पड़ेगा फिर गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी। चाचा तुम्हारे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक शौक है, बट यार अब गाड़ी देखो ला के तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं गाड़ी लेकर के नहीं आया तो ये बंदा फिर भाई बस मेरा काम नहीं करेगा। चलो अच्छी बात है यार, इसको लैंग्वेज आती है जिसमें पेपर में लिखी हुई है, तो यार यहाँ वहाँ जाने से अच्छा इसी से पढ़वा लेते हैं। गाड़ी मांग रहा है, बेस पे जाऊंगा, दो मिनट में गाड़ी लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है चाचा मैं आपको गाड़ी देने के लिए तैयार हूँ, बट यार अभी मैं इसको सारे फोटो कर सेंड करूंगा तो भाई ये बंदा परेशानी ना करते कुछ। वैसे यार नहीं करेगा, कोई बात नहीं, अगर करने की कोशिश करेगा तो हम इसको गोली मार के दो मिनट में इसका एंड कर देंगे। और आपको पता है वैसे प्रोफेसर जॉन ने इसके पास भेजा है तो बंदा अच्छा ही होगा, 1% नेगेटिव भी सोच के चलो, अगर इसने कर दिया ये काम तो मैं इसको बहुत बुरा मारने वाला हूँ, क्योंकि ड्राइवर के बारे में इसको पता ही होगा। तो चलो इसको फोटो सेंड कर देता हूँ, चाचा नंबर दो अपना, मैं आपको सारे फोटो सेंड कर रहा हूँ और फिर मैं आपकी गाड़ी लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना, और जब तक सारा काम मेरा कर देना। कमाल का बंदा है भाई, देखो मैंने कभी नहीं सोचा था यार ये प्रोफेसर होके बीड़ी पी रहा है। चलो बीड़ी पी रहा है बात अलग है, इसकी डिमांड्स कितनी अलग अलग है, बोल रहा है मेरे लिए फरारी कार लेकर के आओ। अरे हद है भाई साहब, चलो फिर भी लेकर के आते हैं, इसने मेरे को बेस का पता बता दिया जहाँ पे फरारी मेरे को मिलने वाली है। मेरे प्यार डॉगी सॉरी यार, देख तू गाड़ी में था, बोर तो नहीं हुआ ना, देख ये बहुत गंदे बंदे, मैं तेरे को यहाँ पे नहीं उतार सकता इसलिए गड़बड़ हो जाती है, अभी तू मेरे साथ रहे आराम से, कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो भाई पहुंचते बेस पे और गाड़ी को लेकर आते। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, ये प्रोफेसर ने मेरे को भाई जो बेस पे भेजा है ना, ये तो जोकर का बेस है यार, जोकर के बेस पे मैं पहले आ चुका हूँ और यहाँ पे बंदे भी खड़े हुए हैं यार। इसका मतलब ऐसा मेरे को लगता है ना, ये जो जोकर का बेस है ना, शायद से जोकर ने भाई जाने से पहले किसी को बेच दिया, क्योंकि भाई जोकर का कुछ भी अता पता नहीं है, इसका मतलब वो बेस जरूर बेच करके यहाँ से चला गया है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे देखो दोबारा से बंदे यहाँ पे आ गए हैं और फिलहाल इन्होंने मेरे ऊपर हमला नहीं करा, देखो जब तक ये हमला नहीं करेगा तो मैं भी नहीं मारूंगा, पहले मैं जाकर गाड़ी देखता हूँ कहाँ पे खड़ी है, उसके बाद दो चार बंदों को मार के गाड़ी लेकर के फटाफट से आ जाऊंगा। अभी तो भाई मेरे को बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि बेस काफी अंदर तक है। ये प्रोफेसर भाई कुछ उल्टा काम तो नहीं करवा रहा, कभी फिर से मेरे को किसी दूसरे बंदे के बेस पे भेज दे और मेरा किसी से पंगा हो जाए और ये फोटोज को लेकर के भाग जाए। देखो ये मेरा आइडिया, देखो भाई नेगेटिव भी सोच के चलना चाहिए और पॉजिटिव तो होगा ही भाई, पर नेगेटिव भी सोच के चलना चाहिए, क्योंकि बंदा अगर नेगेटिव नहीं सोचता ना तो हमेशा नुकसान ही होता है, इसलिए भाई दोनों चीजें सोच के चलना चाहिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव पॉइंट भाई ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे लड़ने में बिजी हो जाऊंगा और प्रोफेसर भाई पेपर्स पढ़ के भाग जाएगा जो भी चीज उसमें लिखी होगी, ये नेगेटिव पॉइंट है। और बाकी पॉजिटिव तो भाई हमें पता ही है, हम गाड़ी उसको देंगे, इन्फॉर्मेशन देगा, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या हमारे साथ होने वाला है। तो भाई अभी देखो कितना टाइम यहाँ पे लग गया आने में, मेरी प्यारी कार सीधा जाके टक्कर मत मार क्योंकि गेट नहीं खुलेगा, सॉरी। अरे भाई कमाल के बंदे, अरे खुल जा सिम, कैसे अभी तो ड्राइवर अंदर भी नहीं आया, पहले ही बंद होने लग रहा है। हेलो भाईयो गाड़ी कहाँ पर है, बेस काफी बड़ा है तो भाई यहाँ पे कार शायद होनी तो चाहिए, पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था यहाँ पे कुछ गाड़ियां खड़ी थी, फिलहाल नॉर्मल ही कार से मतलब की बुलेट प्रूफ कार सारी सारी खड़ी है। ये बंदे भाई इनके लिए काम आती होगी जब ये कहीं पे चाहते होंगे, या इनका बॉस फिलहाल पता नहीं कौन बॉस है, जोकर ही फिलहाल इनका भी बॉस है या कोई और बॉस बन चुका है ये भी कन्फर्म नहीं है, वो तो अभी पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में यहाँ का बॉस कौन है। हेलो मेरे प्यारे भाईयो क्या हाल चाल है, देखो ड्राइवर अंदर घुस गए और भाई कुछ भी नहीं बोल रहे, ड्राइवर का इतना खौफ, या फिर भाई ऐसा हो सकता है
कि शायद से ये भाई मेरे को प्यार से अंदर आने दे रहे हो, ये सब कुछ एक सेटअप हो। चलो वो भी देख ही लेंगे। हमें कोई क्या कर लेगा, अपना ड्राइवर इतना बुरा मारने वाला। भाई ये ट्रक आपको दिखाई दे रहा सामने वाला, ये भाई वही है ऑटो लॉक रॉकेट वाला ट्रक। आप आराम से अपने टारगेट को पहले लॉक कर लो, फिर रॉकेट के ऊपर छोड़ दो और वहीं तक रॉकेट जाएगा जहां तक बंदा जाएगा, चाहे वो प्लेन में हो चाहे वो कार में हो, उसको ही जा करके रॉकेट लगेगा, बंदा बच नहीं पाएगा। तो भाई यहां से तो जाने का रास्ता ही नहीं है, मैं गलत आ गया। तो भाई यहां पे बहुत सारी कार्स खड़ी हुई, टैंक भी है यार, बट मेरे वाली कार फरारी होनी चाहिए। तो भाई फरारी यहाँ पे कोई भी कार नहीं खड़ी हुई। चल मेरे प्यारे गेट खुल जा सिम सिम। तो भाई ये भी खुल गया है, अभी जल्दी से मेरे को पीछे की तरफ से जाना पड़ेगा। तो भाई ये वाला मैं पिछली बार भी रूम आकर के चेक कर लिया था, यहाँ पे ऑफिस बना के रखा है बंदे ने, ये भी नहीं है भाई। यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंदर भाई कार नहीं होने वाली, ऑफिस के अंदर कार कौन रखता है। तो चलो भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ दूसरी तरफ, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ रखी है। सामने बंदे ने एक प्लेन खड़ा रखा हुआ है और सामने भाई बंदे के शायद से वेपन्स थे, मेरे को ये भी याद आ गया। हाँ सामने शायद इसने वेपन्स रखे हुए थे। एक बार दोबारा से जाकर कन्फर्म कर लेता हूँ, कभी बेस को भाई थोड़ा सा चेंज कर लिया। देखो भाई सामने से मैं दूर से यहीं से देख सकता हूँ, सामने बंदे के वेपन्स है और यहाँ पे कुछ गार्ड्स खड़े हुए। तो भाई एक काम करते हैं, अभी मेरे को सामान तो मिला है नहीं, नहीं भाई सामने भी अंदर कुछ कार्स खड़ी हुई है। एक सेकंड में जाकर के चेक कर लेता हूँ, अंदर भी कुछ ना कुछ तो कार्स खड़ी हुई है। हेलो मेरे प्यारे भाई, मेरी गाड़ी है क्या भाई? अंदर भी देखो कितने कार्स वगैरह है, ट्रक्स वगैरह है, और देखो यहाँ पे कौन कौन सी कार है। भाई कार तो सारी अच्छी है, देखो विंटेज कार भी है, स्पोर्ट्स कार भी है, अच्छी कार से सारी। बट यार फरारी जो प्रोफेसर ने मेरे को बोली है वो कार तो नहीं है। ऐसी कौन सी फरारी है भाई जो प्रोफेसर मांग रहा है उसको चाहिए? मेरे प्यारे प्रोफेसर मेरे को पूरी बात बता देते यार, हम कार खरीद के देते, हमारे पास तो पैसे बहुत है। बोल रहा है कि यही वाली कार मेरे को चाहिए। कोई बात नहीं भाई, अभी बंदे ही मेरे को बोलेंगे ये ले चाचा, अरे लगी नहीं चाचा, मिस हो गए, कोई बात नहीं अभी लगेगी, ये ले बेटे। अरे तेरे भाई को मैं पीट रहा हूँ, टक्कर मार रहा हूँ, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ये ले बेटे। अरे क्या दूसरे को देख रहा है, गोली तो भाई तेरे को भी लगेगी, बहुत ही मारेगा। ड्राइवर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि भाई कार नहीं मिली, इतना बड़ा बेस है, हमने सारा चेक कर लिया, टाइम वेस्ट हुआ। तो बंदे ही अभी मेरे को बोलेंगे भाई कार कहाँ पे मिलने वाली, देखो कैसे खड़ा हुआ है। अबे भाई गोली खा ले, गोली सेहत बनवा ले, ये ले बेटे तू भी चाचा, कैसी लगी आया मजा? तो भाई सभी बंदों को मारने में तो काफी टाइम लग जाएगा। एक बार आगे भी चेक कर लेता हूँ आगे क्या चीज है। सामने एक बड़ा प्लेन मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो बंदे खड़े हुए, दोनों खत्म। सर सॉरी से कहते हैं, ओडी से एक्सीडेंट करना और भाई दोनों ही मर गए बेचारे, सॉरी मेरे भाइयों। भाई सामने एक प्राइवेट प्लेन है और यहाँ पे भी एक प्राइवेट है, पर ये थोड़ा बड़ा प्लेन है, एक पीछे वाला छोटा प्लेन है, वो ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, बस यही चीज है। पिछली बार भाई मैं सारा का सारा बेस बर्बाद करके चला गया, तो सारा सामान खत्म कर दिया था मैंने यहाँ पे। फिर ये दोबारा से कहाँ से इतना खतरनाक सामान यहाँ पे आ गया? इसका मतलब ये तो जोकर ही आया है या फिर कोई और बंदा आया जरूर है भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। प्रोफेसर पता नहीं क्या मुझसे करवा रहा है। अरे मेरे प्यारे भाई गाड़ी कहाँ पर है, फटाफट से बोल तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। भाई अभी टेरी को ना मैं फोन कर देता हूँ, टेरी से पता करता हूँ कि टेरी मेरे भाई मैं एक बेस पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ पे मेरे को फरारी कार ढूंढ रही है, यहाँ पे मेरे को फरारी कार नहीं मिल रही, यहाँ पे बंदे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और मेरे को बता फिलहाल ये जोकर का ही बेस है, किसी और ने इस बेस को खरीद लिया है। सारी इन्फॉर्मेशन भाई मेरे को टेरी देने वाला है। अरे चाचा निकल ले चुपचाप। तो भाई टेरी मेरे को बोल रहा है कि टेरी भाई हाँ सच में ही ये बेस किसी और ने खरीद लिया, जोकर ने इसको बेच दिया है, जस्टिन नाम का बंदा फिलहाल इसका बॉस है बेस का, तो यहीं पर वो काम करता है, ये सारे बंदे जस्टिन की है, और भाई फिर जो फरारी है वो भी जस्टिन की है। अभी मेरे को उसकी करंट लोकेशन भी हमारे टेरी ने बता दिया है फोन की ट्रेस करके कि जस्टिन फिलहाल अभी काम लेगा। जस्टिन फिलहाल अभी भाई 100 मील पे वहां पे वो एक मीटिंग करने के लिए लगा हुआ है बंदों से वेपन्स की। चलो ठीक है वेपन्स की डील कर रहा है, कोई बात नहीं है वेपन्स ले लें तो, बट अगर वो ड्रग्स की डील करता फिर मैं उसको बहुत ही ज्यादा पीटता जा करके। अभी फटाफट से जगह पहुंचता हूँ और उससे बातें करके आता हूँ। भाई मैं जगह पर पहुंचे हूँ जहाँ पे मीटिंग चल रही है, मैंने गाड़ी को पीछे खड़े कर दिया ताकि कोई भी परेशानी ना हो। देखते हैं हमारा प्यार जस्टिन भाई कहाँ पर हो, मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। भाई सामने देखो कौन बंदा खड़ा हुआ, अरे अपना बंदर मामा खड़ा हुआ यहाँ पे। तो बंदर भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पे जस्टिन नाम के बंदे से मिलने के लिए आया हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई ये अपना बंदर नहीं है, ये जस्टिन ही है, इसने भाई बंदर जैसा मास्क पहन के रखा हुआ है, कमाल है। मैंने आज तक वैसे आपको पता है बंदर को नहीं देखा क्योंकि भाई वो मास्क नहीं उतारता। ड्राइवर भाई प्लीज आप सारी बात बोलो बट मेरे को मास्क उतारने को मत बोलो, भाई इसको कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए वो नहीं करता, मैं भी उसको फोर्स नहीं करता मास्क उतारने के लिए। तो इस बंदर ने मास्क लगा के रखा हुआ है, ये जस्टिन नाम का कोई बंदा है, चलो इससे पता करता हूँ। मेरे प्यारे भाई देख तेरे को पता चली गया होगा मैंने तेरे बेस पे जाके बहुत बंदों को मारा बट मेरे को फरारी नहीं मिली। देख मेरे को तेरी फरारी कार चाहिए, प्लीज मेरे को बता गाड़ी कहाँ पर है, प्यार से बता देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई बहुत ज्यादा वेपन्स है, तुझे दिखाता हूँ सारी वैरायटी, मरना है क्या जल्दी बोल। भाई ये तो बहुत ही शरीफ और डरपोक भी बंदा बोल रहा है, ट्रेवर भाई मेरे को मरना नहीं है, मैं तो यहाँ पे आप ही का वेट कर रहा था, नहीं तो मैं तो चला जाता। मैं आपको बताता हूँ मेरी फरारी कार कहाँ पे है, मेरे को बंदों ने बताया आपने जाके बंदों को बहुत मारा बेस पे बट उन्हें ये नहीं पता चला आपने क्यों मारा, आप पूछ लेते तो बता देते। मेरी फरारी फिलहाल पीडीएम में है, मैंने उसको सर्विस के लिए दे के रखी हुई है, आप पीडीएम में जाओ लेकर के आ जाओ, मैंने मैनेजर से बात कर ली है, वो आपको गाड़ी दे देगा।
वाह मेरे प्यारे भाई, बंदर तो इतना डरपोक है। तो भाई दूसरा जस्टिन नाम का बंदर तो बड़ा ही डरपोक है भाई साहब। तो इसने बोला है पीडीएम में, मतलब कि भाई शोरूम में गाड़ी खड़ी हुई है, सर्विस के लिए इसने दी थी, पहुंचता हूँ गाड़ी को लेकर गाता हूँ फिर प्रोफेसर के पास जल्दी से पहुंचता हूँ। तो भाई मैं पीडीएम पर पहुंच चुका हूँ, इसी वाले शोरूम में हमारी कार जो है फरारी सर्विस के लिए आगे रखी है, बैठोगी तो गाड़ी मेरा। अभी हम थोड़ा गाड़ी जरा चेंज करेंगे भाई, मैं देख लेता हूँ। तो ये हमारा सामने मैनेजर खड़ा हुआ है। हेलो मेरे प्यारे मैनेजर भाई, बात हो गई होगी ना, आपको जस्टिन ने बोल दिया होगा कि ड्राइवर आने वाला है, तो फरारी कहाँ पर है? तो भाई लो सामने फरारी खड़ी हुई है। और भाई आज तो ना यहाँ पे सारी सारी दोबारा से लैम्बोर्गिनी आ गई है, क्योंकि भाई पिछली बार सिमियोन के यहाँ पे बेचारे के रेड पड़ी हुई थी, उसने क्योंकि चोरी गाड़ी बहुत ज्यादा ही वो रखता है, इसलिए उसके पास पुलिस वाले आके रखे हुए थे। आज लगता है सिमियोन यहाँ पे नहीं है, तो भाई गाड़ी अभी लेकर के निकलते हैं। तो मेरे प्यारे मैनेजर थैंक यू यार, गाड़ी कमाल है यार, इतनी कमाल कार चाहिए प्रोफेसर को, देखो तो सही भाई कमाल का प्रोफेसर है, मतलब शौक बहुत बड़े बड़े हैं बंदे के। गाड़ी तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रही है, कमाल यार ऐसी गाड़ी तो हमने भी अभी तक नहीं ली। तो भाई अपने डॉगी को बुला लेता हूँ फटाफट से, और आज इस गाड़ी में बहुत मजे लेने वाला, क्योंकि भाई इस गाड़ी में छत नहीं है, ऐसी गाड़ी है बहुत इसको मजा आता है। तो चलो इसको बैठा लेता हूँ उतार के फटाफट से। भाई मैंने अपने डॉगी को फरारी में बैठा लिया, कितना कमाल लग रहा है देखो भाई। वैसे बिना रूफ वाली कार जो होती है ना उसमें बहुत ही प्यारा लगता है, आराम से बैठा रहता है। तो भाई अभी जल्दी से वैसे गाड़ी की टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रोफेसर के पास, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी तो कम ही भाग रही है जस्टिन भाई, गाड़ी को अपग्रेड नहीं करा के रखा आपने? नहीं तो हम तो ऐसे ही करते थे इसको, देखो भाई गाड़ी में ज्यादा स्पीड ही नहीं है, कुल 150 तक पहुंच के इसका दम निकल गया, हाईवे पे मुश्किल से 200 ही भागने वाली है। बट भाई गाड़ी दिखने में एक नंबर है, लुकिंग बहुत ही प्यारी है गाड़ी की, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत प्यारी लग रही है दिखने में, एक नंबर है भाई, ला फेरारी है, बहुत ही मस्त है। तो भाई अभी जल्दी से फटाफट से प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं, गाड़ी देते हैं और पूछते हैं पेपर्स में क्या लिखा हुआ है, भाई बता दे बॉक्स के बारे में पता करना है, आखिर बॉक्स में क्या पावर है। भाई अभी मेरे पास टेरी का फोन आया, यार ये क्या ड्रामा हो रहा है, मैं प्रोफेसर के घर पे जा रहा था, टेरी ने बोला कि प्रोफेसर ने भाई नदी में अपनी कार कुदा के सुसाइड कर लिया। ये क्या हो गया भाई, ये तो कमाल है, मतलब हमें एक काम में लगाया और खुद सुसाइड कर लिया, ऐसा क्यों भाई, कभी उसको किसी ने मार तो नहीं दिया, या फिर कभी भाई मेरे जो सोचा था, जो मैंने नेगेटिव पॉइंट सोचा था, कभी वो सच तो नहीं होगा, ये प्रोफेसर भाई ड्रामा करके भाग तो नहीं गया मेरे पेपर्स को लेके, खुद अपने मरने का ड्रामा कर दिया। तो भाई मैं जगह पे पहुंचता हूँ, टेरी ने मेरे को जगह सेंड कर दिया कि जहाँ पे इसने मरने का नाटक करा वहाँ पे जाकर के पता कर लो। तो भाई फटाफट से जगह पहुंचता हूँ, मेरे को गड़बड़ लग रही है, जल्दी जाता हूँ जगह। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, इसी जगह पे हमारे प्यारे प्रोफेसर ने भाई आकर के सुसाइड कर लिया, अपनी कार को यहाँ से कुदा दी है। अबे प्रोफेसर भाई किसी ट्रक के आगे ही आ जाता, तुझे यहाँ से गाड़ी क्यों कुदाने की जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि भाई अभी ना मेरे को इस पर गुस्सा आ रहा है, इसने मेरे को बहुत परेशान करा है, एक तो मैं इसके लिए गाड़ी लेकर के आया हूँ और इसने ऐसा काम कर दिया। हेलो मेरे प्यारे ऑफिसर, यहाँ पे कोई बंदा कूदा है अभी, कहाँ पर है? भाई बंदे बोल रहे कि सामने उसकी गाड़ी पड़ी हुई है और वहीं पे उसकी डेड बॉडी है, अभी जाकर के चेक करते हैं। ट्रेर भाई आराम से जला, आराम से उतर पहाड़ से, यहाँ से भाई मैं उतर सकता हूँ शायद से, चल 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 चल, बस भाई ठीक है, मैं नीचे की तरफ आ चुका हूँ। तो यहाँ पे बंदे की गाड़ी पड़ी हुई है, इसने यहाँ पे सुसाइड कर लिया है, अभी चेक करते हैं जरा। नीचे जा ट्रेवर जल्दी से मेरे भाई, ऊपर मत चढ़, नीचे जा करके चेक कर ले। तो भाई नीचे जाने की वैसे जरूरत नहीं है, फर्स्ट पर्सन करते हैं, यहीं पर आराम से दिख जाएगा कौन बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन बंदा मर गया। तो भाई ये है बंदा मरने वाला, अरे भाई ये तो प्रोफेसर है ही नहीं भाई, धोखा यार, ये प्रोफेसर नहीं है, ये प्रोफेसर की बॉडी नहीं है, ये तो अलग बंदा है। फिर ऐसे कैसे यार, वो बंदा कौन था फिर, क्या वो प्रोफेसर नहीं था जिसके पास मैं गया था मिलने के लिए? ये प्रोफेसर जो ने मेरे को किसके पास भेजा था, ये ग्रीन गैंग वालों ने मेरे को किस बंदे के बारे में बताया था, ये सब चल क्या रहा है भाई? अगर ये असली प्रोफेसर है तो वो बंदा कौन था यार जिसने फरारी बोली थी मेरे को, इतना टाइम मेरा वेस्ट करवाया फरारी के चक्कर में, इसका मतलब मैं भाई किसी गलत बंदे के पास ही पहुंच गया था, मैं तो किसी गलत बंदे घर में चला गया था, अभी बहुत कंफ्यूजन हो गई है। फटाफट से फोन करता हूँ, मेरे प्यारे प्यारे प्रोफेसर जोन, अगर तूने मेरे को धोखा देने की कोशिश करी तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा, क्योंकि पेपर्स गलत बंदे के हाथ में चले गए, सारे पेपर्स की फोटो उसको सेंड कर दिए। भाई मैंने प्रोफेसर जोन से बात कर ली, प्रोफेसर जोन बोले ट्रेवर भाई आप सही घर में गए थे और आप मिलने के लिए भी सही गए जगह गए थे ग्रीन गैंग वालों के वहां पे, बट आपने शायद से गलत बंदे से बातें कर ली। और भाई मैंने ये बात फिर बोली टेरी को, टेरी ने वहां के कैमरास को चेक करा, तो भाई वो जो बंदा मिला था ना मेरे को वो कोई अलग बंदा था यार, वो प्रोफेसर नहीं था जिसको मैंने सारे फोटो दे दिए, बीड़ी मांग रहा था मेरे को, तभी समझ जाना चाहिए था। अरे यार मैंने तो कुछ गलत बंदे को सारे के सारे पेपर्स दे दिए, अभी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे रे रोड पे मत भागो, कोई टक्कर मार देगा, कमाल कर रहे हैं, ले भाई मार दे टक्कर, हो गई भाई 14 साल की सजा तेरे को, तो अरे कहाँ भाग रहा टक्कर मार के। तो भाई अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, कोई नकली प्रोफेसर था जिसको मैंने सारे के सारे पेपर्स दे दिए, फिर भी मैं एक बार भाई घर पे भी जाके चेक करता हूँ, देखो तो सही आखिर असली प्रोफेसर कौन है, क्या ड्रामा ये चल रहा है भाई, इसने तो मेरा बड़ा लंबा बेवकूफ बना दिया सच में भाई। मैं तो भाई गाड़ी लेने के लिए गया, मैंने इतने बंदों को मारा फ्री में, देखो मैंने पहले ही बोला था ना ये नेगेटिव पॉइंट सच निकल गया मेरा, उसने मेरे को डाइवर्ट करा यहाँ पे कि ड्राइवर यहाँ पे लगा रहेगा और जब तक मैं पतली गली से निकल जाऊंगा, और ये असली प्रोफेसर मर गया यार, इसको किसी ने सुसाइड करवाने का ड्रामा करवा दिया और इसका मर्डर करके निकल गए। भाई मैं प्रोफेसर के घर पर पहुंच चुका हूँ, अब की बार देखो तुझे भाई यहाँ पे बंदे हमला करने आते हैं मेरे पे, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा भाई कुछ बंदे यहाँ पे है, इसका मतलब भाई सारी सारी प्लानिंग थी,
घर पे देखो मेरे को बंदे मारने के लिए आ रहे हैं, ट्रेवल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इससे पहले उसको मार डालो और हम पता लगाएंगे आखिर पेपर्स में क्या है। भाई एफआई वाले भी कल पीछे पड़े हुए थे इन सभी पेपर्स के, और ये बंदे भी अभी तो ये बंदा पता नहीं कौन था, इसको तो बहुत मारूंगा बेटे, तो बहुत ही ज्यादा पिटने वाला है बंदा, कहाँ कहाँ से पता नहीं बंदे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पिटेगा। आ जा मेरे प्यारे भाई, आ जा आ जा, क्यों पिटने काम कर रहा है, जल्दी आ जा जल्दी आ जा, पता नहीं कौन कौन बंदे भाई, ये तो सारे सारे यहाँ पे काम करने वाले बंदे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे थे, अभी मेरे ऊपर गोली चला रहे हैं। अबे भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही, बहुत बुरा मारूंगा मैं तुम्हारे सारे पिलर तोड़ दूंगा। ये ले बेटे, अरे यार क्या बंदा था भाई, इसकी तो बॉडी नहीं थी, अबे तो क्या आइटम था सच में भाई, अलग ही लेवल चल रहा है यहाँ पे तो। इस बंदे को आप देखो भाई, इसकी बॉडी नहीं है यार, ये आधा ही बंदा है। अबे तेरी बॉडी कहाँ है भाई, आधा शरीर घर पे छोड़ गया इतनी जल्दी में था क्या, कमाल कर दिया, अबे पूरा शरीर लेकर के आ जाता भाई ट्रेवर को मारने के लिए। हेलो भाई, और कोई है जो गोली चला रहा है, ये लो चाचा गोली खा लो और निकल लो चुपचाप यहाँ से, ये दुनिया बहुत गंदी है यहाँ पे रहने का तुम्हें कोई हक नहीं। आंटी जी आप भी निकलो, बताओ अभी तो यहाँ पे बैठ गए मजे ले रही थी, सफाई करने वाली आंटी, मैं सोच रहा खाना बनाने वाली आंटी थी यहाँ पे, बट मुझे क्या पता मेरे को मारने के लिए बैठी हुई है, ऑर्डर्स मिलते ही मेरे को हमला कर दिया। फिलहाल मैं एक बार पूरे घर को चेक कर लेता, देखता भाई मेरे को यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे मैंने भाई लास्ट टाइम भी पूरा का पूरा घर चेक कर ही लिया था, मेरे को लास्ट टाइम भी यहाँ पे कुछ तो मिला नहीं था, अभी के बार क्या मिलेगा। मैं तो सिर्फ यहाँ पे प्रोफेसर को देखने के लिए आया था और प्रोफेसर भी यहाँ पे नहीं है, सब कुछ वेस्ट हो गया, मतलब कि यार हमारा सारा प्लान खराब कर दिया इस बंदे ने। अभी मैंने सोचा था सब कुछ सिंपल तरीके से हो जाएगा, मेरे को पता चलेगा पेपर्स में क्या लिखा हुआ है और मैं सामान को लेने के लिए जाऊंगा, बट सारी प्रॉब्लम फिर से बढ़ गई। अरे कमाल का बंदा यार, कौन था वो, चलो उसके बारे में तो पता लगाऊंगा ही, वो बंदा बड़ा चालाक बन रहा है, ज्यादा चालाक बंदे बहुत बुरा पिटते हैं आपको पता ही है भाई, एक बार मेरे को मिल जाने दो, पता चल जाने दो, टेरी कैमरास को देख के बताई देगा आखिर वो बंदा कौन है। भाई मैंने सभी को बोल के रख दिया है कि मेरे प्यारे भाई फटाफट से पता लगाओ आखिर कहाँ पे निकल गया वो प्रोफेसर, मेरे को तो लगता है वो लोस्ट वाला बंदा था, दिखने में तो देखो भाई उसके ऐसे कपड़े मेरे को लगे, उसने मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मतलब यार अजीब सा लग रहा था वो बंदा पहले ही मेरे को यार, बट यार प्रोफेसर जॉन ने भेजा था उसके पास मेरे को, इसलिए मैंने उससे जाकर के बात करी और ऐसा हो गया मेरे साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था यार। चलो कुछ ना कुछ तो हम सोल्यूशन निकाल लेंगे यार, वैसे बंदे आजकल हमसे भी ज्यादा अच्छी अच्छी प्लानिंग बनाने लग गए, देखो प्लानिंग बना के मेरे को बेवकूफ बनाया उन्होंने, कोई बात नहीं आपको भी पता है जब ट्रेवर प्लान बनाता है ना तो सभी को बेवकूफ दो मिनट में बना देते हैं, कुछ ना कुछ तो भाई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। टेरी को, निकी को, पीटर को, सभी को बोल दिया है कि प्लीज इस काम को भी पता कर लो, ये काम भी बहुत जरूरी है। बाकी अपनी की आपको पता है फ्रैंकलिन के ऊपर काम करने में लगी हुई है, उसको भाई उसको सही करना है, वो भी बहुत जरूरी काम है, बट भाई ये भी जरूरी काम है क्योंकि अगर टेस्टर जी का बॉक्स गलत हाथों में चला गया तो बहुत गड़बड़ हमारे लिए हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फिर बढ़ जाएगी। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। मैं कहता हूं अपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो के लाइक्स का एम है 15,000, जल्दी से आगे इसको पूरा करा दो। अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड भी फॉलो नहीं किया उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक मिले डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।